अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फोटो का बैकग्राउंड ट्रेस कैसे किया जाता है। तो आप पहले फोटो देख ले मैंने कैसे किया है। ये फोटो आप देख लें, और मैंने इसको इसमें चेंज किया है। ये देखो, अब मैं टेम्पल पर इस फोटो को भी आसानी से लगा सकता हूँ। तो आप भी ये सीखे फोटो को रेज करने का तरीका। तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। तो आपने जाना है सबसे पहले प्ले स्टोर में। इधर आपने सर्च करना है फिर फोटो बैकग्राउंड चेंजर। ये तो आपने, जब आप थोड़ी सी ये लोडिंग ले रहा है मेरे मोबाइल तो, पर जैसे भी आपके सामने ऐप आते हैं तो आपने ये सब कर रहे हैं, इनको आपने नहीं चूज करना। तो आप नीचे आ जाएं, इस लोगों का ऐप होगा आप देख लें। ये आप देख लें, तो अगर ये देख लें आप, आपने इसको ओपन कर लेना। आपने इसको लॉग आउट कर लेना है, जिधर आप, मैंने आपको निशान दिया। आपने इधर आपने फोटो चूज कर लेनी है। और इधर आपने गैलरी में जाना है, जहाँ भी आपकी फोटो पड़ी होगी आपने ले लेनी है। तो मैं ये फोटो उठा लेता हूँ, इधर आपने क्लिक कर लेना है। इसको अच्छे से जितनी भी आपने फोटो लेनी है ले लेना। आपने ऊपर डन पर क्लिक कर लेना है, और इसको इन दीवारों से पेस्ट करना है। ये देखें, ये जो है इससे इसका साइज बड़ा होता है, ये देखें। तो इस साइज आपने फोटो रख लेना है, तो इससे आपकी फोटो का जूम बड़ा होता है। इससे क्या होता है, ये होता है, इससे अरेंज फोटो होती है। तो अगर आप फोटो को मिटाना चाहते हैं तो इधर आपने क्लिक करना है दरमियान में, और ये जितना भी आपने ना ये देखें। तो पहले मैं इसको अच्छी तरह से कर लेता हूँ।
जैसे भी आपकी ये हो जानी है, आपने डन पर क्लिक कर लेना है। और फिर आपने इधर क्लिक कर लेना है फाइव पर। तो मैंने वहीं पर क्लिक करके ये फोटो मेरी हो गई गैलरी में सेव। आपने फोटो को ऊपर से सेव कर लेना है। आपको मैं दिखाता हूँ गैलरी में ये फोटो कैसे रेज हुई है। तो ये देखें, फोटो रेज हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें।